दुनिया में ऐसी कई रहस्यमय घटनाएं घटी है जो आजकल लोगों के लिए एक रहस्य ही बनी हुई है। इन्हीं में से एक है साल 1911 में घटी एक घटना जिसमें 106 लोगों को ले जा रही एक ट्रेन सुरंग में घुसती है रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। इस ट्रेन का आज तक पता नहीं चल पाया कि वो आखिर कहाँ गई। ये हैरत अंगेज घटना रोम की है। दरअसल जेनेटी नाम की एक ट्रेन साल 1911 में रोमन स्टेशन से रवाना हुई थी। इस बीच ट्रेन को एक सुरंग के होकर गुजरना था, लेकिन यह ट्रेन जैसे ही सुरंग में घुसी वो अचानक गायब हो गई। इस दौरान ट्रेन को काफ़ी खोजने की कोशिश की गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। हालांकि बाद में उसी ट्रेन में सवार दो लोग सुरंग के बाहर मिले थे। इस दौरान उन्होंने एक ऐसी हैरतअंगेज घटना बताई कि सभी सुन्न रह गए। उनका कहना था कि जैसे ही ट्रेन सुरंग के पास आई वहाँ एक रहस्य में धुआं निकल रहा था। उसको देखकर काफ़ी लोग घबरा गए और ट्रेन के कूद गए। इसके बाद ट्रेन सुरंग में घुसी और वो वापस निकल ही नहीं पाई। इस रहस्यमय घटना के बारे में कहा जाता है कि ट्रेन अपने समय से 71 साल पीछे यानी भूतकाल में चल रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ट्रेन सन 1840 में मेक्सिको में पहुंच गई थी। इस कारण इसे भूतिया ट्रेन कहा जाता है। मेक्सिको के डॉक्टर ने दावा किया था कि वो जिस अस्पताल में काम कर रहे हैं वहाँ रहस्यमय तरीके से 104 लोगों को भर्ती कराया गया, लेकिन वो सारे पागल हो गए थे। हालांकि वो इतना ज़रूर बता पा रहे थे कि वो ट्रेन से यहाँ तक आए, लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि उस समय कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं थी जो रोम से सीधा मेक्सिको तक आए। हैरान करने वाली एक बात है और इन लोगों के मेक्सिको आने का कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं था। PM News 24 की रिपोर्ट।